अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। निवास ने कांग्रेस भैया बस ऐसे आशीर्वाद उनको भाई बहुत बड़े हंसते हैं। आदेश नाथ जी का आदेश कर दो गाड़ी नाम बैठे चलो हेलो जल्दी जल्दी प्रताप भाई क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद और जनता के मुद्दे जग जाहिर हो चुके हैं। चार पांच मुद्दे देवास में इससे बड़े मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और साथ में एक अच्छा माहौल। जो जगह जगह ड्रग्स और तस्करी की जगह जो देवास बन गया है, नशे का जो गढ़ देवास बन गया है, इन पर हमको काम करना है। साथ ही साथ जो इंदौर पे हम सब हर प्रकार से निर्भर है और इंदौर की निर्भरता खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी बोलती 1,00,000 पार जीत रहे हैं हम, क्या लगता है आपको? देखिए, राजघराने से मुकाबला है किसान के बेटे का और राजघराने का मुकाबला बोले राज और राजा और अंक में है जंग, सीधी बात है। और आज आप निश्चित तौर पर एक बात बता दूं, उनका मनोबल टूट चुका है निश्चित तौर पर। ये जो कमजोर आदमी होता है वो चिल्लाता है और मजबूत आदमी होता है वो लड़ता है। एक बार आपके दादाजी को भी कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में उतारा था, उस समय और इस समय कितना फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं। जब हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि कार्यकर्ताओं के साथ में रही है और कार्यकर्ता के बल पर और कार्यकर्ता के साथ में हम लड़ते हैं, कार्यकर्ता के साथ जीते हैं, कार्यकर्ता के साथ मरते हैं। कोरोना काल जैसी भयानक बीमारी के समय भी हमने देवास को, हमारे परिवार को हमने छोड़ा नहीं, पीठ नहीं दिखाई, हम लड़े और जीते। प्रदीप जी, आपको दो लड़ाई लड़ना है, कांग्रेस से का आपका साथ देगी क्या? कांग्रेस पार्टी एक जाजम पर मजबूत स्थिति में खड़ी है, हम प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मजबूत कंधों का सफर है, मजबूत पैरों का सफर है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ तक इस सफर को हमने तय किया है। और अब चुनौतियाँ हमारे सामने ये है कि अब हम निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद जो मुद्दे पे हैं हमारे, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो भ्रष्टाचार हो या जो अवैध कारोबार देवास में जो अपनी जड़ें जमा चुका है, इन समस्याओं से लड़ने की चुनौतियाँ हैं और हम लड़के जीतेंगे। आपकी भूमिका देवास में नेता से ज्यादा कहीं ना कहीं समाज सेवी की है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं देवास का बेटा हूं और देवास कोई भी बेटा अपने परिवार को कभी समस्याओं के समय छोड़ता नहीं है। वो चाहे कोरोना काल हो, चाहे अन्य किसी बात हो, चाहे राजनीति के माध्यम से कोई मुद्दे उठाना हो या सेवा कार्य के माध्यम से या सामाजिक कार्य के माध्यम से जो भी काम करना हो, मैं सदैव अपने परिवार के बीच में रहा हूँ और आज मुझे मेरे पूरे परिवार पर पूर्ण संपूर्ण रूप से भरोसा है। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, पूरा देवास मेरे साथ खड़ा है, हर युवा मेरे साथ खड़ा है और निश्चित तौर पर यह जीत हम जीतेंगे। 38 साल की अटूट भाजपा की विजय, किस रूप में देखते हैं, कितनी चुनौती है? देखिए, एक परीक्षाओं का दौर होता है। हम एक कहते हैं कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक और फिर बोर्ड की परीक्षा और फिर बोर्ड के बाद फिर 9वीं, फिर गैप और फिर बोर्ड की परीक्षा, फिर 11वीं गैप और फिर बोर्ड की परीक्षा। तो इसी प्रकार से परीक्षाएं होती है। एक बोर्ड की परीक्षा आई थी कोरोना काल, उस कोरोना काल में विपक्ष के जो प्रत्याशी है वो धराशायी हुए, उनकी नीति और उनके कार्य करने में जो असमानता है और जो उनकी कथनी और करनी में अंतर, सब लोगों ने देखा किस प्रकार से उन्होंने देवास को बेहाल छोड़ दिया था और वो निश्चित तौर पर बोर्ड की परीक्षा हम पास करके आए हैं। आपकी दादा रतनलाल जी जी 98 के चुनाव में 5,000 की बहुत कम अंतर से हारे जी, अभी क्या देखते हैं अपने आप को? देखिए, हम परिवार हमारा सदैव जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है और हम अगर कोई दायित्व तो हमको मिलता तो हमको पंख नहीं लगते, चाहे रतनलाल जी चौधरी मेरे स्वर्गीय दादा हो या प्रदीप चौधरी मैं खुद हो,
हम सदैव जमीन पे रहकर लोगों के बीच में रहते हैं और लोग हमारे साथ होते हैं। चुनाव तैयारी आपकी पहले से जारी थी, कहीं ना कहीं आपको आलाकमान से कोई निर्देश ऐसा पहले से? देखिए, ये कमलनाथ जी ने दो दो तीन दिन बाद मीडिया के सामने कहा था कि हम जिनको चुनाव लड़ा रहे हैं हमने इनको इशारे कर दिए और हम तो लोग तैयारी में लगे हुए हैं। सर्वे के बेस पर जो है आपका नाम सबसे आगे था और उसको आलाकमान को किस धन्यवाद, क्योंकि कहीं बहुत ज्यादा सर्वे कोई नेता को टिकट ना। सर्वे तो जितने भी हुए हैं वो चाहे पार्टी के अंतर्गत सर्वे हुए हैं उसमें भी टॉप पे नाम है, और चाहे बीजेपी कांग्रेस को लेकर जो सामने विपक्ष में प्रत्याशी उनको लेकर भी जो सर्वे है उसमें भी देवास की जनता ने भरपूर प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए देवास की जनता का धन्यवाद। बहुत बहुत